नमस्कार, मैं एमडी खान, स्वागत करता हूं आप सबका अपने मेरे चैनल पे जीएनएचयू हाइलाइट्स पे। जैसा कि आपको मालूम हो, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में नारायण वार्षिकोत्सव के दौरान स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है, जहां इस कंपटीशन का आज पांचवा दिन है और सारी टीमें, बल्कि यूं कहें कि यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं, सब अपना दमखम लगा रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त बने हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे होनहार प्लेयर में से एक, मिस्टर आदर्श कुमार सिंह, जिनको एडी भी कहा जाता है। अब तक ये दो मैच खेल चुके हैं और अब तक के फुटबॉल के मैच में सबसे टॉप के स्कोरर रहे हैं। आइए बात करते हैं सीधे इनसे, इनके राय के बारे में, क्यों इन्होंने फुटबॉल चुना और क्या आगे का सपना देखते हैं। सर, पहले तो आप मेरे दर्शकों को अपना नाम पूरा बता दें, इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह है और मैं यहाँ पे MBBS का स्टूडेंट हूँ और इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज से। और सर, फुटबॉल ही क्यों? फुटबॉल मैं एक्चुअली बचपन से तो नहीं खेल रहा हूँ, पहले 10th क्लास तक तो मैंने क्रिकेट खेला है, फिर उसके बाद 11th से मैंने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया तो सबसे पहले मैं डिफेंडर खेलता था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ये गेम जब पसंद आने लगा तो मैं स्ट्राइकर बनता गया, फिर उसके बाद से डिफेंडर तो मेरे दुश्मन हो गए। सर, जैसा कि अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो, उसको लेके आप किस तरह की राय रखते हैं? आपको मजा आ रहा है इसका आनंद लेने में? मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी टाइप का टूर्नामेंट शुरू किया गया है, इसकी वजह से मुझे देखने में मिल रहा है कि पहले जो केवल इंट्रा कॉलेज हमारा होता था MBBS में, उसमें उतना कॉम्पिटिशन देखने को और उतनी क्राउड देखने को नहीं मिलती थी। जब से ये शुरू हुआ तब से एक बड़े स्तर पर हमारी एक टीम बनी है, उसके बाद आर्ट डिपार्टमेंट का अलग अलग जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें अलग क्राउड का चेयर मिलता है और गोल मार के जो सेलिब्रेशन करने में हमें जो मजा मिलता है उसका अलग ही मजा है। जी बिल्कुल। और आपके टीम के बारे में जानकारी चाहूंगा, मतलब अभी तक आप कितने मैच खेल चुके हैं और आपकी टीम ने आगे कितना आगे जाने का आप सपना देखते हैं इस कॉम्पिटिशन को लेके? हमारी टीम अभी दो मैच खेली है इस यूनिवर्सिटी वाले फेस्ट में, जिसकी टीम सिलेक्शन हुई थी कॉलेज, हमारा जो कॉलेज फेस्ट हुआ था उसके बेसिस पे 15 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे बेस्ट हमारे। ये टीम दो मैच खेली, पहला मैच हम 5-0 से जीते हैं, दूसरा मैच हम 4-0 से जीते हैं। तो हमारा प्राइमरी एम तो ये है कि हमें गोल खाना नहीं है पूरे टूर्नामेंट, और जितने मार सकते हैं उतने मारने हैं। सर, जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट का जितना क्रेज रहा है उसमें फुटबॉल कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, फुटबॉल को लेकर उतने लोग उत्साहित नहीं रहते हैं जितना क्रिकेट को लेकर रहते हैं। फिर भी आपने बियॉन्ड द क्रिकेट फुटबॉल को चुना, आपके आइडियल कौन है और मतलब कहां तक आप जाने का सपना देखते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में? सो मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने एक साल ड्रॉप लिया था 12th के बाद, तो उस साल मैं उत्तर प्रदेश टीम के लिए खेल चुका हूं स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया MBBS, तो MBBS में आप जान रहे हो उतनी छुट्टी मिल नहीं पाती हमें कि हम टूर्नामेंट्स जाके खेल पाए, तो मेरा गेम फिर कॉलेज स्तर पे ही रह गया। मैं जब फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आया था तो मैं जमुहार की टीम के लिए खेल चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मैंने 3 मैच खेले थे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें मैंने 6 गोल किए थे 3 मैच में और जमुहार की टीम को जितवाया था। और तब से मुझे यहाँ पे पूरे गाँव वाले जानते हैं एडी नाम से। और उसके बाद गेम का स्तर आगे बढ़ाने में मेरा तो आगे एम ये है कि मैं CRPF या BSF में जाके उसमें भी टीम ज्वाइन करूं और फुटबॉल खेलूं उनके लिए। सर, एक सबसे अच्छी बात कही आपने, BSF या CRPF ज्वाइन करने की बात, जो कि देश सेवा में आता है और मुझे लगता है कि उससे बढ़िया काम कोई नहीं है, खास करके हमारे देश के लिए। सर, उसमें उस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिल पाए, तो क्या आपने फुटबॉल को छोड़ दें या उसको दोनों को साथ लेके चलना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू एक बार हो चुका है इसको, ये रिगार्डिंग CRPF को लेके, तो वैकेंसी जो आई हुई है उसमें मुझे मतलब डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है मेरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को लेके सीधा सीधा, और प्लस जो हमारी डिग्री है MBBS वाली उसको लेके एज अ डॉक्टर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उसमें जब चाहूँ तब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे विश्वविद्यालय के होनहार प्लेयर, स्टूडेंट या अग्रसर एक भारत देश के चमकते हुए सितारे। मैं कामना करता हूं कि आप हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं कैमरामैन आशीष के साथ, नमस्कार।